और सालू भाभी आप हमको गाली मत दीजिएगा कि हमको समझाने आए, हम आपको समझा नहीं रहे। और रजनी भाभी तो समझदार हैं, क्यों से समझती समझदार है। कोई आगे सोचता नहीं कि आगे हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हमको कब किसी से काम पड़ जाए, ये आदमी नहीं सोचता बस। और सालू भाभी आप रेलिए, जो आग लगा उसको रेलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार है पेत्र चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम आए थे शूटिंग करने के लिए, जो कि प्रीति का सर जी करवाए हैं शादी। अरे सर जी करवाए, इसे बोल रही है कि हम लोग शादी कर लिए हैं, सर जी को बेइज्जती कर रहे हैं। और अभी हम लोग एक मंदिर पे आए हैं, हम बैकग्राउंड दिखा रहे चारों तरफ, देखिए कुछ इस तरह का बैकग्राउंड है। हालांकि आज हम अभी निकलने वाले थे, जाने वाले थे, हम गोल गोल घूमने पड़ जाते हैं। आज जाने वाले थे सालू के घर पे, कन्हैया के घर पे, लेकिन शूटिंग की वजह से नहीं जा पाए। उनसे रजनी से बात हुआ, रजनी निकल दी हैं और आ रही हैं, शायद वो आज आ जाएंगी शाम तो तक। आप लोग को झगड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए भाभी, आप लोग को तो पता है कि दुश्मन बहुत रहते हैं बहन बहन में झगड़ा लगवाने में। जैसे आप मेरा ही देखिए, मेरी मौसी की लड़की थी, पर ऐसे ऐसे लोग आए उसमें आग लगा दिए, उनका बात उनको ऐसे बोले, उनके मुँह पे ऐसे बोले, इतना झगड़ा लग गया ना कि हम लोग का रिश्ता टूट गया, यहाँ तक सब कुछ रिश्ता टूट गया। तो आप लोग आपस में समझ बूझ कर बैठ के जो तीसरा है उसको हटाइए। यहाँ तक कि वो मैटर आप लोगों को पता ही होगा, शादी यही करवाई थी, सब कुछ यही करवाई, लेकिन तीसरी की वजह से ऐसा दुश्मन हो गए हैं। जो करीबन हमको लगता है 3 महीने हो गया होगा, 3-4 महीने। अरे अप्रैल मई में झगड़ा हुआ है। अब बताइए, तब से लेकर के अभी तक बोल चाल नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं करेंगे बोल चाल, क्यों से दिल टूट गया है अंदर से, जो पहले वाला प्यार रहता वो प्यार निकल जाता है। तो आप लोग अपने रिश्ते को मतलब ख़राब करिए, आप लोग मतलब बहुत अच्छा लगता है आप लोग को, दोनों लोग के साथ अगर आप लोग एक दूसरे के साथ वीडियो नहीं बनाते तो सबको ये लगता नहीं है तो इतना है। तो उम्मीद है कि जैसे ही रजनी आ जाएंगी तो सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों लोग को ये चीज़ तो समझ में आ ही गया है कि तीसरे की वजह से हो रहा है। जब तीसरे की वजह से हो रहा है तो आपस में क्यों लड़ना। और रजनी भाभी तो समझदार हैं, क्यों समझती, समझदार दोनों लोग हैं, ऐसा नहीं है, दोनों लोग समझ जाती हैं। हम उन्हें कह रहे हैं मतलब रजनी दीदी, जो रजनी भाभी हूँ बड़े मतलब जो सालू भाभी उनके बड़ी मानती हैं और कहती हूँ दीदी हमारी जो भी कहेंगे वो कहेंगे, पर सालू भाभी भी बहुत अच्छी हैं। सालू भाभी जो भी दिल की साफ हैं, जो भी रहता है मुंह पे बोलती हैं, पीठ पीछे नहीं बोलने जाती, उनका ये है तो उनका बात यही आदमी को बुरा लगता है, हम तो ये जानते हैं। जो भी रहता है साफ मुँह पे बोलती हैं, तो थोड़ा सा मतलब मस्ती में ही थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल देना, पर तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन दिल की साफ है एकदम से, लगता है कि कड़कड़ा के बोलने, कड़कड़ा के नहीं, उनका बोलने का तरीका और प्यार से बोलते हैं। सही है, आप लोग नहीं समझते हम लोग। और पता है ये छोटी छोटी चीज को लेकर के ना बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि उल्टा सीधा इतना कमेंट भी आ रहा है, हमारे वीडियो बहुत सारे कमेंट आए, उनके वीडियो कमेंट, तो कमेंट की वजह से और इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग कुछ ऐसा कमेंट करिए कि दोनों लोग आपस में मिल जाए। देखिए कमेंट ऐसे से लोग कमेंट, देखिए हमारा भी झगड़ा तो ना, कमेंट गंदा आ रहा था, उन लोग रिश्ता बनाएंगे नहीं, रिश्ता और नहीं तोड़ेंगे और नहीं कि चलिए आप लोग आपस में निपट जाइए, आपस में झगड़ा मत करिए, क्योंकि एक परिवार है, परिवार में झगड़ा होता है ना, दूसरे लोग मजा लेते हैं, तो आप लोग एक परिवार की तरह रहते, कोई नहीं जानता कि आप लोग सगे बाप के नहीं लगते, लगते हैं सगे बाप के भाई बहन। पता नहीं कैसे वीडियो बनाते हैं, हाथों मेरा दर्द करने लगा। इधर देखिए पीछे शूटिंग चल रहा है, सूरज जी का शूट हो रहा है, अभी हमारा शूट होने जा रहा है दोस्तों। और इस सीन में सूरज जी का मतलब इनका मतलब सब लोग मार दिए हैं, अब हमारा मौत होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग यही सब है, वीडियो को देखते रहिए। और रजनी भाभी और सालू भाभी को तो सर जाएंगे समझाएंगे, हमको लगता है सब समझ जाएंगे, पर समझ जाएंगे ऐसा नहीं है, बस दूर आया वो तो उनको तो खत्म ही है, ऐसे दूर दूर है ना, इस वजह से हम भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। फोन पे कितना कोई समझाएगा बोलेगा, हालांकि सालू को समझा क्या है, कन्हैया को समझा क्या है, तो बातों से लगा है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आने के बाद। कौशल भैया और कन्हैया भैया में कुछ नहीं है, बस थोड़ा पकड़ लो फोन। कौशल भैया कन्हैया भैया जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, उन लोग झगड़े को शांति करते हैं। अगर आपस में मर्द लड़ने लगते हैं तो घर में झगड़ा बढ़ जाता है, औरतें लड़ती हैं तो झगड़ा नहीं बढ़ता, वो सब आपस में सही है। हमारा तो हथवा दर्द करने लगा, पकड़े 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 तो आदत भी छूट गई है, आदतें हो जाती कम, तो उसके बाद यही सब बातें हैं। तो आप लोग समझ जाइए भाभी, हम क्या समझें, हम तो छोटे से हैं, हम क्या समझा सकते हैं, पर आप लोग आपस में सही से रहते हैं तो अच्छा लगता है। और सालू भाभी आप हमको गाली मत दीजिएगा कि हमको समझाने आए, हम आपको समझा नहीं रहे हैं, मतलब इसमें तीसरा लोग मजा ले रहे हैं। आप लोग, आपको तो पता है सब कुछ, हम आप लोग को गलत तो नहीं कह रहे हैं, आप लोग सही हैं। और आपस में जब खुश रहेंगे ना, जो आग लगाया ना वैसे ही आग जल के बबूला हो जाएगा ना, कि कैसे मिल गए सब लोग। सही है, यही होता है, यही होता है। देखिए गलत चीज ना हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ देता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता थोड़ा है थोड़ा सा फिर लोगों की वजह से, लेकिन जो गलत होता है वो गलत होता ही। देखिए कोई आगे सोचता नहीं कि आगे हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हमको कब किसी से काम पड़ जाए, ये आदमी नहीं सोचता, बस जो वक्त चल रहा है उसी वक्त में खुश हो जाता है। पर आगे भी सोचना चाहिए कि उसे आने वाले वक्त में हमारा समय एक तरह जैसे नहीं रहेगा,
कब हमारा वक्त खराब हो जाए उस आदमी से हमको काम पड़ जाए, किसके साथ क्या हो जाएगा, कौन सी घटना हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना भी हाँ। मान लीजिए आज हम प्रीति से झगड़ा किए और जा रहे हैं, कुछ हो गया रास्ते में, तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं रहता है। ये भी पछता सकती है, हम भी पछता सकते हैं, तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। तो हम तो यही कहेंगे सबसे, जब तक रहिए, मिलजुल करके रहिए। मान लीजिए नहीं इनसे पट रहा किसी कारण बस, तो थोड़ा सा साइड हो जाइए, अपना काम अलग देखिए, आप अपना देखिए, इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और तो ऐसे में तो किसी को तो मान के वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा, किसी को तो माफी मांगना ही पड़ेगा। और माफी क्या मांगना, दोनों लोग आपस में, अरे उतना चलता है मान लीजिए, दोनों लोग आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग आपस में बैठ के और जो तीसरा आग लगाए उसको जला दीजिए, वही जल के आग बबूला हो जाए, तीसरा जल के आग होता है, करना ही चाहिए ताकि फिर तीसरा कभी भी इस तरह से कोई भी बंदा हो या बंदी हो बीच में आग लगाने में ना 100 बार सोचे। और वो जो जानते हैं जो तीसरा आग लगाया रहता है ना, वो सोचता क्या करे, फिर जो दूसरा आग लगाने वाला रहता है वो सोच के हट जाता है कि नहीं ये लोग तो एक ही हो जाते हैं, तो हम लोग को आग लगाने के क्या फायदा है। तो आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग तो आपस में झगड़ा बंद कर दीजिए, थोड़ा अच्छा अच्छा वीडियो बनाइए और थोड़ा झगड़ा करके ऐसे ऐसे झगड़ा करिए जो आगे किया जाए, मिलके फिर से शूटिंग और शूटिंग करके आप शूटिंग करिए और मजे से सब लोग को रेल दीजिए। सालू भाभी रेलती है मज दमदार सबको, और सालू भाभी आप रेलिए जो आग लगाए उसको रेलिए, आप बहुत जमन तो पक्का है सालू छोड़ क्यों सालू भाभी जब रेलती हैं तो बहुत एक क्यों से जोर भी रहता है वो मुँह पे बोलती हैं, चाहे कड़वा लगे चाहे मिर्ची लगे, जो आग लगे जो भसम हो जाए वो मुँह पे बोलती हैं, जो भी रहता है मुँह पे बोलना चाहिए भी चाहिए, क्यों से आग आज आप चुप रहेंगे ना तो आगे चल के सब अगला फायदा उठाता है। यही मेरे साथ हुआ है, मैं जब तक चुप रही थी सब कुछ सुन नहीं सहती थी ना, आगे वाले मेरा वो उठा लिया। बहुत लोग मतलब समझते हैं कि चलिए आप हमारा क्या होगा, हमारा तो बड़े लोग से उठक बैठक हो गया, तो ऐसे कुछ नहीं होता, वक्त वक्त की बात है, समय समय काम हो रहा है। और अभी कैमरे में आएगा नहीं सही से, नहीं तो रात हो जाएगा, तो फटाफट शूटिंग करते हैं, शूटिंग करके निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारी दूसरी शादी का एंजॉय करिए, आप लोग देखिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर की हैप्पी यात्रा।